एवरीवन, मैं अलका और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किचन टिप्स ऑफ अलका में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए बहुत खास डिश लेकर आई हूँ, मक्के का मज़ेदार पराठा। फ्रेंड्स, मक्के का स्वाद तो सभी को पसंद होता है, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में किसे फुर्सत है जो मक्के की रोटी हाथों से थपथपाते हुए बड़ा करके तवे पर बनाए नानी दादी की तरह। तो फ्रेंड्स, आज का जो पराठा रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अलग तरीके से बनेगा। इसमें एक खास चीज़ मैं मिलाऊँगी जिसकी वजह से इस पराठे को आप बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो मक्के का स्वादिष्ट पराठा बनाने के लिए हमने लिया है मिक्सिंग बाउल में 2 कप मक्के का आटा और साथ में हम डालेंगे 2 बड़े साइज के आलू। तो इन आलूओं को हमने उबाल करके बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। पराठे को थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को। तो प्याज को बारीक कट करके ले लेंगे और 2 बड़े चम्मच हरी धनिया को भी बारीक कट करके ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो थोड़ी सी हमने हल्दी ली है कलर के लिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, थोड़ी सी हींग डालना बहुत ज़रूरी है इसमें, और इन सब चीज़ों को एक साथ मिला देंगे। और अगर आप तीखा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च बारीक कट करके या पाउडर वाली मिर्च या फिर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक बार बिना पानी डाले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी हम इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें गुनगुना पानी से नहीं गूंथना है, अगर गुनगुना पानी डालेंगे तो प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो पराठा बहुत बढ़िया नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे और लास्ट में इसमें देसी घी लगा देंगे जिससे कि बढ़िया सॉफ्टनेस और चिकनाहट बनी रहे। और एक बात खास तौर से ध्यान रखिएगा कि इस आटे को गूंथ के रखना नहीं है। मक्के का आटे का खासियत होता है कि बहुत जल्दी लूज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो जब भी बनाना हो तो मक्के का आटा ताज़ा ताज़ा गूंथना चाहिए। अब हम एक पेड़ा काट लेंगे लोई के बराबर। इसकी लोई थोड़ी सी बड़ी होती है नॉर्मल गेहूं के आटे की अपेक्षा, तो इसको थोड़ा बड़े साइज में लोई लेंगे। उसमें थोड़ा सा गेहूं के आटे को, हम सूखे आटे को इसमें डस्ट करेंगे और उसके बाद में इसे बेलेंगे। मक्के के आटे की एक खासियत होती है कि ये फटता बहुत है, बहुत चिकना नहीं होता है, ये फट जाता है साइड साइड से, तो कोई दिक्कत नहीं है फट रहा है, उसको हम हाथों से सही कर लेंगे और आराम से इसको बेलेंगे, बहुत ही प्यार से सहराते हुए और बहुत धीरे धीरे से बेल के तैयार करेंगे और इसे उठाएंगे भी बहुत धीरे से। तो बन के तैयार हो गया हमारा पराठा। और आज की रेसिपी की खासियत ये है कि मक्के के आटे में जो हमने उबला हुआ आलू मिलाया है इसकी वजह से ये बहुत ही आराम से बेल रहा है और बहुत ही आराम से पलट रहा है। तो इसको मिला के जरूर बनाइएगा, ये मक्के के पराठे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इन पराठों को सेकने के लिए आप कोई भी तवा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया है, लेकिन आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं नॉर्मल जो घरों में यूज होता है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के स्प्रेड कर देंगे, इसके बाद में हम ये पराठा डाल देंगे। पहला पराठा जब डालेंगे तो ऑयल को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे जिससे कि ये चिकनाहट बनी रहे, बाकी बाद में तो सभी पराठे आराम से बनके तैयार हो जाते हैं। जब एक साइड से ये हो जाएगा तो हम इसे पलट के दूसरी साइड में पका लेंगे और पहले वाले साइड में देसी घी डालेंगे। मक्के के आटे में देसी घी या बटर का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मैं यहाँ पे पराठे को देसी घी से बना रही हूँ, आपके पास अगर बटर है तो बटर से बनाइएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और ये पराठे बनके तैयार हो जाते हैं, दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। आलू है तो सॉफ्ट बना रहेगा पराठा आपका, और आपके घर में चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो या बच्चे हो, सभी को ये पराठा बना के ज़रूर दीजिएगा जो मक्के के शौकीन हो, और ना भी हो तब भी एक बार ये पराठा खाने के बाद घर के सभी लोग ये पराठा आपसे बार बार बनवा के खाएंगे, क्योंकि इस पराठे में मक्के के फ्लेवर के साथ साथ सॉफ्टनेस भी है जो बहुत ही इसको मज़ेदार बनाती है। तो ये पराठा रेडी है, दोनों साइड से ठीक से पक गया है, अच्छे से पक गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरा पराठा भी हम डाल देंगे तवे पर, लेकिन एक बात आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, इन पराठों को सेकते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी मत रखिएगा क्योंकि इसमें आलू पड़ा है जो जल्दी से जल जाता है। ये भी पराठा बन के तैयार हो गया, ऐसे ही हम सारे पराठों को बना के तैयार कर लेंगे। देख के लग रहे हैं ना स्वादिष्ट पराठे, और ना सिर्फ देखने में ये पराठे खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो इन पराठों को मैं बैगन के भरते के साथ सर्व करूँगी और एक बार इसकी सॉफ्टनेस दिखाऊँगी आपको। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार पराठा बन के तैयार होता है, कितना सॉफ्ट है। इसे मैं तोड़ करके भी दिखाऊँगी तो देखिए कितना सॉफ्ट है, आसानी से टूट जाता है और इसका स्वाद तो बहुत मस्त है।
तो एक बार इस रेसिपी से ये पराठा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और बना करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। मक्का तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होता है और ये पराठे तो मक्के में चार चांद लगा दे रहा है। तो वही ट्रेडिशनल तरीके से इसको प्याज और हरी मिर्च और थोड़ा से आम के अचार के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा, जो भी खाएगा आपके गुड़ गाएगा। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।